दोस्तों एक कहानी है जगन्नाथपुर मंदिर की। भूख से तड़प रहा था नौकर, प्रभु खुद खाना लेकर पहुंचे थे। आखिर क्या है इसका रहस्य, सुनिए पूरी वीडियो में। यूं तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर ओडिशा के पुरी में है, ये सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन आज हम बात करेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर की, आखिर यह मंदिर बना तो कैसे बना, किसने बनवाया और क्यों, यह कहानी जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। महाप्रभु यानी श्री कृष्ण जगन्नाथ का नाम जुबान पर जब भी आता है, मन ओडिशा के पुरी शहर पहुंच जाता है। समुद्र की लहरों से अटखेल लिया करती इस शहर में विराजमान भगवान जगन्नाथ के प्रति मन आस्थावान हो उठता है। महाप्रभु की कहानियां कानों में सुनाई देने लगती है। महाप्रभु की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र बरबस याद आने लगते हैं। ओडिशा की रथ यात्रा की अपनी ओर रथ के रसों की तरह अपनी ओर खींचने लगती है। ऐसे में अगर आप चाहकर भी ओडिशा नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके लिए एक और शानदार मंदिर महाप्रभु के दर्शन के लिए उपलब्ध है। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथपुर मंदिर है, विशाल और आकर्षण मंदिर। यहाँ भी वही सब कुछ होता है जो ओडिशा के मंदिर में होता है। इस मंदिर की आकृति भी ओडिशा के पूरी स्थित मंदिर की तरह ही है। इसे देखकर आप महसूस करेंगे कि ओडिशा में महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर रांची के धुरुआ में है, काफी प्राचीन मंदिर है, नाम है जगन्नाथपुर मंदिर। यहाँ हर साल रथ यात्रा का भी आयोजन होता है। ओडिशा की तरह यहाँ की रथ यात्रा भले ही मशहूर उतना नहीं हो, लेकिन उतना ही आनंदमयी होती है। इस मंदिर का निर्माण की कहानी बेहद दिलचस्प है और रोचक भी है। जानकर बताते हैं कि इसका निर्माण वर्ष 1691 में हुआ था। तब बड़कागढ़ नामक इलाके पर नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव का शासन हुआ करता था। एक दिन की बात है कि राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने ओडिशा के पूरी शहर जाने का कार्यक्रम बना दिया था। उन्होंने अपने एक नौकर को भी साथ लेकर चलने को कहा। नौकर अपने कर्मचारी को लेकर राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ओडिशा के पूरी शहर पहुंच गए। पूरी पहुंचने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की कहानी सुनकर नौकर उसका भक्त हो गया। वह महाप्रभु का ही गुण गाने लगा, सोते जागते उसकी जुबान पर बस महाप्रभु का ही नाम सुनाई देने लगा। आस्था की गंगा में वह डूब गया, महाप्रभु का भक्त हो गया। उसे लगा कि भगवान से उसकी सीधा साक्षात्कार हो गई है। एक रात की बात है कि राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव रात्रि में विश्राम कर रहे थे। कर्मचारी और नौकर आदि भी सो रहे थे। इसी बीच में नौकर भूख से व्याकुल हो उठा, उसे जोरों की भूख लग गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे और नौकर भूख से बिलबिला रहा था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। मन ही मन उसने गुहार लगाई, भगवान आप ही मेरे भूख मिटाइए, कुछ कीजिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तब भगवाली थाली लेकर पहुंच गए प्रभु जगन्नाथ। दंत कथाओं के अनुसार उसी रात भगवान जगन्नाथ भेष बदल कर उस नौकर के पास पहुंच गए। उन्होंने नौकर से बात की। नौकर ने बताया कि उसे बहुत भूख लगी है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अपनी भगवाली थाली में भोजन लाकर उस नौकर को खिलाया। भोजन करने के बाद नौकर का मन तृप्त हो गया, वह आनंद से भर उठा, उसने बहुत शांति महसूस की। इस चमत्कार से वह हैरान था, हर्षित मन ही मन उस नौकर से महाप्रभु को इसलिए धन्यवाद उस नौकर ने महाप्रभु को इसलिए धन्यवाद दिया। दूसरी रात भी राजा के सपनों में आया जगन्नाथ जी, और कहा जाता है कि सुबह होने के बाद नौकर ने यह कहानी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव को सुनाई। राजा यह कहानी सुनकर हैरान रह गया। इस कहानी ने राजा को बहुत प्रभावित किया। जब रात हुई तो भगवान जगन्नाथ ने पुनः राजा को स्वप्न दिया। भगवान ने कहा, राजन यहाँ से लौटने के बाद तुम अपने राज्य में भी मेरे विग्रह की स्थापना करो, पूजा अर्चना करो। इसके बाद राजा ने संकल्प लिया कि ओडिशा से लौटते ही वह अपने राज्य में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाएंगे। ऐसा ही हुआ भी, और लौटने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों और कर्मचारियों को बुलाया, आदेश दिया कि पूरी की तरह ही भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। देखते ही देखते कुछ वर्षों में यह मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। तब यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि उसी समय राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने भी यह तय कर लिया कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में घंटी बजाने और तेल भोग करने की जिम्मेवारी आदि और आम परिवार की होगी। वही आदिवासी मुंडा परिवार के लोग यहाँ झंडा फहराएंगे
पगड़ी देंगे, वार्षिक पूजा करेंगे, जबकि रजवाड़ और यादव जाति के लोग भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाएंगे। बढ़ई परिवार के लोग मंदिर आदि का रंग रोहन करेंगे, वही लोहरा समुदाय के लोग भगवान के रथ मरम्मत करेंगे। इसी तरह कुम्हार समुदाय के लोग मिट्टी का बर्तन आदि बनाकर उपलब्ध कराएंगे। आज